लेकिन ये नहीं पता था उधर रुकना पड़ेगा, है ना। और जब कंफ्यूजन सब जो पैदा हुआ तो हमने ये रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे एक बार परिवार से जाकर के मिल करके पता करने दीजिए कि मामला क्या है, माजरा क्या है, क्यों ऐसा कंफ्यूजन। उसके बाद हम जो है आपको रोक दिया गया जाने निकल, बाद में है ना। पहली बार जब फोर्स आई और दूसरी बार जब फोर्स आई तो पहली बार तो हम समझे ही नहीं क्या हुआ। दूसरी बार जब हम गए, मतलब हम रिक्वेस्ट किए एक बार हमको जाकर के परिवार में पता करने दीजिए क्या प्रॉब्लम है, तो हमको जाने नहीं। हम चार घंटे तक उधर वेट करते रहे। क्या हमारे चाचा हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे हमारा कोई गिला शिकवा नहीं। अरे उनसे हमारा कोई गिला शिकवा ही नहीं है। पैसे दिया गया। अच्छा, हम पैसा पे जाने वाले लोग। आप बताइए चेतन जी, आप हमारे बारे में कितना जानते हैं? नहीं, ठाकुर का कुआं जब हुआ था तो बड़े बड़े लोग, जब ठाकुर का कुआं हुआ था और आपको याद होगा कि पार्टी के कई एक चाटुकार लोग हम लोगों के अगेंस्ट गालियां दे रहे थे, छोटे छोटे लोग, और प्रोत्साहन दिया गया था उनको हम लोगों के। मेरे पिताजी को गाली दी गई, मुझे गाली दी गई, मेरा अपमान हुआ। आप ये सब भूल गए हैं क्या? लेकिन उसके बाद भी हम आपके साथ थे। ये तो प्रॉब्लम कब आई, जब हम देखे कि जब ये पूरा कंफ्यूजन हुआ उस दिन, जो 10 तारीख को कंफ्यूजन हुआ, और हमने ये बात रखी एक बार जा करके कंफ्यूजन क्लियर करने दीजिए, मुझे अपने परिवार में जा करके कंफ्यूजन जो है उसको क्लियर करने दीजिए। उसके बाद हमको रोका गया। हम तो वही था पता करने के लिए जा रहे थे घर, उसी लिए तो जाना चाह रहे थे कि, तो उसके बाद हमको रोका गया। क्या तो आपको निकाली है वहाँ से? क्या लोग नहीं जाने देना चाहते थे? बाद में हम नहीं, देखिए हम उधर रिक्वेस्ट किए, हाँ बहुत देर तक रिक्वेस्ट किए कि हमको जाने दीजिए, हम जाते हैं परिवार का धोखा देने का। अच्छा नहीं, हम भाई वीरेंद्र जी को प्रणाम करते हैं, हमारे चाचा हैं, उनके बारे में, वो हमारे बारे में कुछ भी बोले हमको क्या है, हम तो उनके भतीजा ना है। हाँ वो हमारे बारे में गलत बोले, सही बोले, जो बोले, जैसा बोले, हमको उससे हाँ, लेकिन मेरे परिवार के बारे में कोई कुछ कहेगा उसको बख्शेंगे नहीं। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।